लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। यमुनानगर से यह अहम खबर, तेज रफ्तार ट्रक ने एक लड़की को कुचल दिया है। यमुनानगर से ये बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त स्कूल जा रही थी और साइकिल पर सवार थी लड़की और इसी दौरान ये हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक बताया जा रहा है, इतनी रफ्तार से ट्रक आ रहा था कि स्कूल जाती एक लड़की की मौत हो गई। दुखद दुर्घटना इस वक्त यमुनानगर से सामने आई जहां पर एक स्कूल जाती बच्ची जो है वो ट्रक की चपेट में आ गई। गुस्साए लोगों ने अब नेशनल हाईवे पर जाम भी लगा दिया है। तेज रफ्तार ट्रक ने एक लड़की को कुचला, खबर यमुनानगर से आ रही है। स्कूल जा रही थी, साइकिल पर सवार थी लड़की और इसी दौरान जो है ये घटना घटित हुई। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं यमुनानगर से। ये तस्वीरें देखिए, रोड जाम कर दिया है लोगों ने, गुस्से में हैं लोग, आगजनी तक कर दी है और रोड पूरा ब्लॉक कर दिया है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। संवाददाता सुमित ओब्रॉय है हमारे साथ। सुमित, पूरी घटना कैसे हुई और अब की स्थिति क्या है? अभी कुछ ही देर पहले की ये पूरी की पूरी घटना है कि एक साइकिल सवार लड़की जो है अपने स्कूल के लिए जा रही थी कि तभी एक तेज रफ्तार बिजली से भरा हुआ ट्रक आया और उसने उसको वहीं मौके पर कुचल दिया और उसकी मौके पर ही जो है मौत हो गई। उसके बाद जो है वहाँ आसपास के लोग थे वो वहाँ इकट्ठा हुए और गुस्साई भीड़ ने जो है उसके बाद वहाँ नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया और जिस ट्रक ने टक्कर मारी थी उस ट्रक के अंदर आग लगा दी और हालात को बेकाबू होता देखकर जो है वहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन तेज रफ्तार से अगर हम बात करें, तेज रफ्तार जो वाहन है उससे आए दिन जो है लगातार जो है हादसों में वृद्धि होती जा रही है, एक के बाद एक जो है मासूमों की जान जाती जा रही है। लेकिन बावजूद इसके जो है कोई भी शिकंजा इन पर नहीं कसा जा रहा। हालांकि बड़े दावे किए गए थे कि इन पर शिकंजा कसा जाएगा, पहले 16 नाके भी लगाए गए थे, बाद में उनको भी हटा दिया गया, लेकिन बावजूद उसके जो मासूमों की जान जो है लगातार जा रही है। और इसी घटना में भी लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने नेशनल हाईवे पर जाम लगाया और साथ ही उस ट्रक के अंदर आग लगा दी। जी शुक्रिया आपका समय जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए इसी के साथ हल्का हलचल में इतना ही, नमस्कार।